मेरी वजह से सब बहुत परेशान है, खास करके पापा और माँ को मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा। आइंदा मेरी वजह से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन करण प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं करूंगा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूँ? साक्षी, मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ। तुमने जो उनके लिए किया सच्चे मन से किया, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। वो गुस्सा मैं खुद से था जो मैंने तुम पे निकाल दिया। जब भी डैड मॉम को डांटते हैं मैं दिल करता कि उन्हें कुछ बोलूं, उन्हें रोकूं, लेकिन कुछ कह ही नहीं पाता हूं। बस इसी बात का गुस्सा। करण, गुस्सा हमेशा मन में ही रखना चाहिए। गुस्से को दिल का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर गुस्सा दिल तक पहुंच गया तो जिस इंसान के लिए आप गुस्सा है वो कभी दिल में नहीं रह पाएगा। एनीवे, नीचे पूजा चल रही है और मुझे लगता है आपको नीचे आना चाहिए। अगर आप नहीं आएंगे तो सब बहुत नाराज होंगे, खास करके माँ। आपके लिए ये कुर्ता निकाल के रखा है मैंने, प्लीज पहनकर नीचे आ जाइए। आता हूँ। थैंक्स साक्षी। थैंक्स कुर्ता निकालने के लिए, फिर तो रोज ही थैंक्स बोलना पड़ेगा। थैंक यू मॉम के लिए। मैं जानता हूँ तुम ये सब उनके लिए क्यों कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो, उनकी केयर करती हो, उनकी रिस्पेक्ट करती हो, और ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। वैसे ये डल कलर सिलेक्ट करने के लिए थैंक्स, बट नो थैंक्स। करण, सरस्वती माँ की पूजा के लिए येलो कलर ही पहनना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये निकाला। पहनना पड़ेगा, चलिए जल्दी से पहनिए और नीचे आ जाइए। अब एक बात कहूँ, इस कुर्ते में बड़े ही क्यूट लगेंगे। वो तो है। I don't understand, लड़कियों को हर चीज क्यूट क्यों लगती है? हाँ। जी हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी आप आ जाइए। जी तुम रेडी हो ना, चले। हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, और मैंने पंडित जी को बुला लिया। पंडित जी क्यों? पूजा तो घर पे है ना। पूजा घर पर है इसलिए तो पंडित जी को बुलाया। मतलब ये कि ये हमारा घर है लतिका, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम हर एनिवर्सरी, हर बर्थडे, हर फंक्शंस वहां पे जाके सेलिब्रेट करें। हमारा अपना घर है और मैं चाहता हूँ दिया को हमारे घर से भी संस्कार मिले। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते दामाद जी। आप लोग निकल गए या क्या, घर पे हैं? पूजा शुरू होने वाली है। मम्मी जी हमने तय करा है कि पूजा अपने घर पर ही करेंगे, और हाँ पूजा के बाद शाम को प्रसाद खाने शुरू आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। जी मम्मी जी। अब पूजा आरंभ करते हैं। घर के सभी विवाहित जोड़े आगे आके इस नई किताब पे स्वस्तिक बनाना है, और उसके बाद माँ सरस्वती के नाम अपना अपना संदेश लिखे। घर के छोटों से शुरुआत करते हैं। करण बेटा कहाँ? पंडित जी करण आता ही होगा, लेकिन कब? उसने वक्त पर आना सीखा कहाँ है? जिंदगी में विद्या की क्या अहमियत होती है, किसी ने सिखाया नहीं उसे, और जिसे सिखाना चाहिए वो सिखाती भी कैसे, क्योंकि वह खुद ही विद्या से कोसों दूर है।
पापा वो आ गए। नमस्कार पंडित जी। खुश रहो बेटा, अब पति पत्नी आगे आके स्वस्तिक बनाओ और उसके बाद माँ सरस्वती के नाम से अपना संदेश लिखो। जी। अब आप दोनों आइए। शारदा जी अकेली नहीं लिख सकती, इसलिए आपको उनके साथ मिलकर ही लिखना पड़ेगा। आपका हाथ आगे बढ़ाइए। बस शारदा, अगर तुम्हारा ये स्वास्तिक का डिजाइन खत्म हो गया हो तो आगे का संदेश मैं अकेला लिख दूंगा। हर साल इस रीति में इतना समय लग जाता है, तुम्हारे साथ अगर मिलकर लिखूंगा तो इसी में शाम हो जाएगी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, छोड़ दो कलम। मेरी माँ पर भी कृपा कीजिए, उन्हें रास्ता दिखाइए। मैं अपनी माँ को पढ़ाना चाहती हूँ, पर मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहती। उन्हें विद्या का वरदान दीजिए माँ, उनके मन में विद्या के लिए लगन पैदा आप ही कर सकती हैं। भाभी जी ये देखिए, मैंने एक नया डिजाइन सीखा है, जैसा आपने सविता की शादी में बनाया था। सुंदर दिख रहा है ना? बहुत अच्छा है। चलो मैं भी इसे बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, देखती हूँ मैं कर सकती हूँ कि नहीं। मैं भी बना सकती हूँ। मैं भी। अच्छा तो देखते हैं पहले कौन बनाता है। मेरा हो गया। इतना जल्दी साथ में बैठकर एक दूसरे से पहले करने के चक्कर में कितना जल्दी सीख जाते हैं, है ना? अकेले काम करते हैं तो सिर्फ एक के भाग्य की कामयाबी मिलती है, सब साथ में मिलके काम करते हैं तो सबके भाग्य जुड़ जाते हैं, तो कामयाबी तो मिलेगी ही ना, और पता ही नहीं चलता काम हो भी जाता है। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, आपने जो इतना प्यार और सब्र के साथ सिखाया। तुम सीखी क्योंकि तुमने कोशिश की। मैं तो हमेशा कहती हूँ हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी हार कभी नहीं हो सकती। जितनी जल्दी हम साथ में बैठ के सीख सकते हैं उतना अकेले कभी नहीं सीख सकते, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने।
अब आगे से साथ बैठकर ही सीखा करेंगे हम लोग। हाँ हाँ कोशिश तो कीजिए। आप ही तो कहती है ना, जो कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते। जब आप दिल की बात चेहरे से पढ़ना सीख गई तो कागज पर कुछ अक्षर सीखना कौन सी बड़ी बात है। जीने के लिए जितना सीखना चाहिए वो ये सीख चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब और सीखने में दिलचस्पी है इसे। मैं अभी आई। साक्षी, बेटा मैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नहीं माँ, जानती हूँ मैं अब क्या कहना चाहती हूँ। सब समझ गई हूँ कि आप पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन बेटा। नहीं माँ, मुझे आपको जबरदस्ती पढ़ाना भी नहीं, इसीलिए मैं सारी किताब लेकर ना अलमारी में रखने वाली हूँ अभी। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। क्यों, ऐसा क्यों ना करूं? क्योंकि अब तुम्हें जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब? मैं तुम्हें समझाऊंगी, पर उससे पहले तुम मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आओ मेरे साथ। आज अपनी माँ का हाथ थाम के उसे सही से लिखना नहीं सिखाएगी? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, शारदा, आपका नाम? तुमने सही कहा था, आशीर्वाद मिलता नहीं, मांगना पड़ता है। इसलिए मैंने आज माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगा है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी प्रार्थना पूरी होगी, क्योंकि मेरी प्रार्थना पूरी करने के लिए सरस्वती माँ ने पहले ही तुम्हें मेरे पास भेज दिया है। इसीलिए आज माँ सरस्वती के सामने मैं तुम्हें अपना गुरु मानती हूँ। आज से मैं पूरे मन से पढ़ाई करूंगी, घर के कामकाज के साथ साथ तेरी सिखाई हुई शिक्षा पे भी बहुत मेहनत करूंगी बेटा। ये मेरा वादा है अपने गुरु से।
प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, तुझे पाप लगेगा। नहीं बेटा, तुझे पाप नहीं पुण्य मिलेगा, मेरी जिंदगी में विद्या का प्रकाश लाने का पुण्य। बड़ों का हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए, वहां आपस मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ हर मोड़ पर, हर कदम। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने निश्चय को और आपकी प्रार्थना को पूरा कर सकूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? आपके टैली किए हुए अकाउंट्स में चेक कर रहा था मिस्टर नाथ, सब कुछ ठीक है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हैं। मैं जानता हूं कि आप कागज पर लिखकर ही सारे अकाउंट्स करते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं सीख लेते? अब इस उम्र में कंप्यूटर कैसे सीखूं सर? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं मिस्टर नाथ? आजकल के बच्चे तो एक दिन में कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं, और आप इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने बरसों से हमारी कंपनी के अकाउंट संभाल रहे हैं, आप भी बहुत जल्द सीख जाएंगे। और वैसे भी सीखने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती। कोशिश करूंगा सर। गुड। अरे साक्षी, तुम यहाँ अचानक? आओ आओ। सॉरी पापा, मैं बिना आपके अपॉइंटमेंट यहाँ चली आई। अरे कैसी बातें कर रही हो, आओ बेटा बैठो। नहीं नहीं पापा, मुझे बस आपके 2 मिनट चाहिए। हाँ बोलो। पापा मैंने माँ को घर पे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पापा कमी माँ के पढ़ने में नहीं है, कमी मेरे पढ़ाने में। पिछली बार मैंने उन्हें कोचिंग क्लासेस भेजा बिना आपके परमिशन के। पापा मैं उन्हें कोचिंग क्लासेस फिर से भेजना चाहती हूँ, लेकिन इस बार आपकी इजाजत के साथ। साक्षी इस बारे में हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। पापा अभी अभी तो आप मिस्टर नाथ से कह रहे थे ना कि सीखने के लिए कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती, तो जो मिस्टर नाथ के लिए सही है वो माँ के लिए भी तो सही होगा ना, कि आप माँ को एक और मौका नहीं दे सकते। साक्षी तुम खुद मामा को पढ़ाओ ना। I'm really surprised. तुमने तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि तुम मामा को पढ़ाओगी, और अब तुम ही हार मान रही हो। नो साक्षी, मोदी परिवार की लेडीज इतनी वीक नहीं है। तुम इतना श्योर कैसे हो कि मामा इस बार सब कुछ मैनेज कर लेंगे और लास्ट टाइम की तरह हिम्मत हार के वापस नहीं आ जाएंगे? आप ही ने तो अभी अभी कहा ना कि मोदी फैमिली की औरतें इतनी वीक नहीं है, तो माँ भी तो मोदी फैमिली का ही हिस्सा है ना। That's not the point, Sakshi. The point is, जब मोदी एम्पायर की मालकिन किसी कोचिंग सेंटर जाएंगी पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो लोग हमारा कितना मजाक बनाएंगे। You know, I genuinely feel कि तुम्हें ये कोचिंग सेंटर का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए। ठीक है, सॉरी पापा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। साक्षी तुम शारदा को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग जहां भेजना चाहती हो भेजो। क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि शारदा तुम्हें डिसअपॉइंट ही करेगी, और मैं ये नहीं चाहता कि कल को तुम ये सोचो कि सुरेश मोदी की वजह से शारदा मोदी अनपढ़ रह गई। गो अहेड। थैंक यू पापा, मुझे बस आपकी परमिशन की जरूरत थी, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा।
दौड़ाएगी मुझे? हुआ क्या है? पता ना तू इतनी खुश क्यों है? माँ, आपको पता है आज मैं पापा के ऑफिस गई थी। अच्छा, तो? और जानते हो उनसे क्या मांगा मैंने? क्या मांगा? मैंने उनसे आपको कोचिंग क्लासेस भेजने की इजाजत मांगी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हाँ क्या कहा? उन्होंने बताना क्या कहा? उन्होंने आपको जाने की परमिशन दे दी। अरे, अरे, हाँ हाँ, अब आपके कोई बहाने नहीं चाहिए। अब आपका रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। आपको कोचिंग क्लासेस जाना ही होगा।